नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सिंह राजपूत और मैं जी टॉक की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए। मैं कहता हूँ कि दुख हो, सुख हो, इजहार हो, इकरार हो, इनकार हो या फिर आभार हो, जुबां से ज़्यादा आँखें बयां करती हैं। और इसी से रिलेट करता हूँ, मैं एक शेर पढ़ूँगा कि समझ सको तो समझो आंखें, आंखों में छुपा है सब कुछ। समझ सको तो समझो आंखें, आंखों में छुपा है सब कुछ, जुबां से हम जैसे लोगों ने कहां कहा है कब कुछ। और एक शेर और देखिए कि हमारे चेहरे की चमक, हमारी आंखों की रोशनी कम हो गई। हमारे चेहरे की चमक, हमारी आंखों की रोशनी कम हो गई। उम्र कुछ ज्यादा नहीं हमारी, मगर जिंदगी खत्म हो गई। इसी के साथ मैं अपनी गजल का आगाज करता हूँ आप सबके तालियों के बीच। तो ये मतलब देखिए कि दुश्मन कहाँ अब दुश्मन से लड़ाई करता है, दुश्मन कहाँ अब दुश्मन से लड़ाई करता है, ये काम तो अपना ही भाई करता है। दुश्मन कहाँ अब दुश्मन से लड़ाई करता है, ये काम तो अपना ही भाई करता है। न लगाना कोई इल्जाम अब दुश्मनों पर, न लगाना कोई इल्जाम अब दुश्मनों पर, अपना ही अपनों की जगह हंसाई करता है। वो सगा भाई है मेरा जो बज़्मे खरीफ में, बज़्मे खरीफ मतलब दुश्मन की महफिल, वो सगा भाई है मेरा जो बज़्मे खरीफ में बड़ी ही बेगैरती से मेरी बुराई करता है। बहुत शुक्रिया। और न इत्तिफाकी का दौर कुछ ऐसा है दहर में, न इत्तिफाकी मतलब असहमत, मतभेद, दहर मतलब दुनिया, और एक वर्ड है हिमायती है हया, जिसका मतलब है हया का पक्षधर। कि न इत्तिफाकी का दौर कुछ ऐसा है दहर में कि हिमायती हया भी बेहयाई करता है। सुकूने दिल की खातिर एक सवाल है मेरा, सुकूने दिल की खातिर एक सवाल है मेरा, कौन है जो बिना स्वार्थ के भलाई करता है, कौन है जो बिना स्वार्थ के भलाई करता है। और जो सरेआम हंसता था मेरे मलबूस पे कभी, मलबूस मतलब पहने हुए कपड़े, कि जो सरेआम हंसता था मेरे मलबूस पे कभी, वही अब मेरे पैरहन की सिलाई करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो सरेआम हंसता था मेरे मलबूस पे कभी, वही अब मेरे पैरहन की सिलाई करता है। और अगला जो शेर है, इसका एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं कुछ समय पहले अपने गांव गया था, तो मेरा बचपन का दोस्त है सूरज सिंह, और उसने गांव में रह के जिस तरह से बिज़नेस को शट किया और सफल बिज़नेस रन कर रहा है, उससे मिलने के बाद मेरे जहन में ये शेर आया। और उसमें एक वर्ड है कुचायपुर, जिसका मतलब है शहर की गलियाँ। तो ये शेर देखिए कि ज़रूरी नहीं कि खाक छानो कूचाएपुर की, ज़रूरी नहीं कि खाक छानो कूचाएपुर की, गांव में रहकर भी इंसान कमाई करता है। गांव में रहकर भी इंसान कमाई करता है। और ये शेर देखिए बड़ा ही प्यारा और मेरा पसंदीदा शेर है कि हर ठोकर पे सिखाता है जीने का सलीका, हर ठोकर पे सिखाता है जीने का सलीका, इस तरह वक्त सबकी रहनुमाई करता है। बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल का आखिरी शेर है कि उसे भुलाकर किसी और को चाहने से पहले, उसे भुलाकर किसी और को चाहने से पहले, ये खबर फैला दो कि सागर बेवफाई करता है। उसे भुलाकर किसी और को चाहने से पहले, ये खबर फैला दो कि सागर बेवफाई करता है। और ये आखिरी शेर के साथ खत्म करूंगा मैं कि मेरे बदल जाने में यारों मेरी कोई खता नहीं, मेरे बदल जाने में यारों मेरी कोई खता नहीं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, क्या तुम्हें इंसान की फितरत पता नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।